गुड मॉर्निंग। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, वन इज कोऑर्डिनेटिंग, वन इज सबऑर्डिनेटिंग। अब होते क्या है ये? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का एक ही तरीका है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपके जहन में रहेगा तो आपको याद रहेगा। वो शॉर्ट फॉर्म को हम कहते हैं, अंग्रेजी में बहुत फेमस है ये, इसे कहते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज बहुत ही फेमस टर्म है, ठीक है ना। ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए, फॉर एंड फॉर, ठीक है ना, एंड नॉर, बट और येट सो। यानी कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। अगर आपको फैन बॉयज याद है तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद है। इन शब्द को फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इन शब्दों को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ये कंजंक्शन का पहला टाइप है। कंजंक्शन हमने डिस्कस किया था कि कंजंक्शन का काम क्या होता है। कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना या दो वर्ड्स को जोड़ना। तो इनका काम भी यही है, दो सेंटेंसेस या दो शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? समझ में आया ये? हाँ, लिख लीजिए इसको। मैं फिर बोल दे रहा हूं, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इन शब्दों से आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं।
ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दूसरा जो होता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कौन कौन से हैं, ये दूसरा टाइप है कंजंक्शन का, ठीक है। इनका भी काम वही है, जो कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का ही काम करेगा, जोड़ने के लिए। लिखते रहिए, ऑल्दो सो दैट। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने इधर सिर्फ सो लिखा है, इधर ये एक साथ प्रयोग होता है, सो दैट कॉमा आफ्टर व्हाइल सिंस बिकॉज सिंस बिकॉज When, who, whatever, whether, unless. Until if के बाद एक्सेट्रा लिख, लिख लिया सबने। अब हाँ सर। पूछना है किसी को इसमें, तीनों में से किसी जगह से पूछ लीजिए। कुछ नहीं पूछना। एलबीएस में किसी को कुछ पूछना है पूछो, मैं 2 मिनट रुका हूं। सर इसमें हिंदी अनुवाद, क्या अब हिंदी ट्रांसलेशन। मैं तुमको एक एक शब्द का हिंदी में मीनिंग बताऊं कि और को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ शब्दों के मतलब आप डिक्शनरी में ढूंढिए। हाँ हाँ सर सर ये हाँ यूज आपकी, कहाँ, हाँ सर ये यूज कहाँ होंगे? आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थी, कौन सी क्लास? नहीं लास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट थी सर। थी, तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि ये दो वर्ड्स सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो एक्सप्रेशंस को जोड़ने के काम में आता है। मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया था, एग्जाम्पल ये दिया था कि राम
plays good cricket. या सिर्फ क्रिकेट भी लिख सकते हैं. श्याम प्लेज गुड क्रिकेट. अब ये दो सेंटेंस है, दोनों सेम मतलब दे रहे हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं. अब इसको जोड़ देंगे तो छोटा भी हो जाएगा, तो हमारे लिए आसान है. तो हमने कहा राम एंड श्याम प्लेज गुड क्रिकेट. हमने किस चीज का यूज किया? कंजंक्शंस का. ठीक है, लिखो नहीं, ये लिखा चुका हूं मैं लास्ट क्लास. जो एब्सेंट थे वो नोट कर लीजिएगा अपने बगल वाले से. भी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं. ये शब्द मैं आप लोग को जब से पढ़ा रहा हूं तब से यूज कर रहा हूं, मैं टेंसेस से यूज कर रहा हूं. क्लॉज. अब क्लॉज होता क्या है, ये आपके कोर्स में नहीं है फिर भी ध्यान देना. मैं बार बार बता रहा हूं कि ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये नहीं आएगा तुमको तो तुमको आगे पैराग्राफ नहीं आएगा. यहां तो ये चल रहा है कि और बिकॉज, ये सब का मतलब तुम्हें नहीं पता है, हैं? क्लॉज हम लोग कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, यानी कि कर्ता और क्रिया. अब कर्ता और क्रिया होगा तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस. मिनिमम हमें वाक्य बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है. ठीक है, मिनिमम. अब क्लॉज उसे बोलेंगे जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है, और ऑब्वियसली अगर वर्ब नहीं होगा तो ये मीनिंग नहीं देगा. मीनिंग नहीं देगा तो हम इसे वाक्य नहीं बोल पाएंगे. यानी कि अब आपने समझा कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है और वो पूरा मीनिंग देते हैं उसे हम क्लॉज कहते हैं, उसे हम क्लॉज कहते हैं. किसी को इतना समझने में कोई दिक्कत? नो सर. है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते. तो लिख लीजिए पहले क्लॉज. क्लॉज लिखिए. अ क्लॉज, अ क्लॉज has a subject, a clause has a subject, a clause has a subject and a verb, a clause has a subject and a verb, and मैं फिर से बोल रहा हूँ, a clause has a subject and a verb and a verb, ठीक है, and it gives a complete meaning of the sentence. And it gives a complete meaning of a sentence. ये है आपका clause.
लिखिए हिंदी हिंदी मीडियम में. क्लॉज क्लॉज के अंदर एक कर्ता, क्लॉज के अंदर एक कर्ता, एक कर्ता और एक क्रिया का होना जरूरी है या अनिवार्य है. क्लॉज के अंदर एक कर्ता और एक क्रिया का होना अनिवार्य है. पहला चीज. दूसरा, एक क्लॉज वाक्य का, क्लॉज वाक्य का पूरा मतलब बताता है, पूरा मतलब बताता है. ठीक है. यहां से एक सवाल उठता है कि अगर यह पूरा मतलब बताता है तो इसका मतलब है कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो पूरा मतलब नहीं भी बताता है, obviously, वरना ये अलग से क्यों मेंशन करता कि पूरा मतलब बताता है. ठीक है. तो 100% हमारे पास कुछ ऐसा भी है जो कि पूरा मतलब नहीं देता. ठीक है. हाँ बिल्कुल है. उसे हम लोग कहते हैं फ्रेज. ये आपके कोर्स में है फ्रेज. फ्रेज जो शब्द है ये भी वाक्य का कुछ पोर्शन रखता है. फ्रेज वाक्य का मत लिखो, अभी समझ लो, बंद करो लिखना. फ्रेज वाक्य का कुछ तो रखता है. नॉर्मली हम सेंटेंस ऑब्जेक्ट लगा लेते तो एक हमारा पूरा सेंटेंस बनता है. फ्रेज जो है वो हमको पूरा मीनिंग नहीं देता. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप प्लीज बताइए एक फ्रेज और एक क्लॉज में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे सर फ्रेज जो होता है ये पूरा मीनिंग नहीं देता वाक्य का, पूरा मतलब नहीं बताता, और क्लॉज जो है वो पूरा मतलब बताता है. दैट मींस फ्रेज डज नॉट गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग, वेयर एज क्लॉज गिव्स यू अ कंप्लीट मीनिंग. चलो ठीक है. फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, चलिए ठीक है मान लिया, लेकिन सर ये तो बताइए कि क्लॉज पूरा मीनिंग देता है तो आपने बताया क्यों देता है, फ्रेज पूरा मीनिंग क्यों नहीं देता. दूसरा सवाल हमेशा आएगा आपके पास. तो दूसरे सवाल का जवाब ये है कि एक जो फ्रेज होता है सर, फ्रेज आपको पूरा मीनिंग इसलिए नहीं देता क्योंकि उसमें ये सब्जेक्ट नहीं होता. अब जिस वाक्य में कर्ता नहीं है, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, हटा दो. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, अब इसमें मेरा जो सब्जेक्ट है वो तो सूरज है जी, मेरा जो वर्ब है जी वो ये है और ये ऑब्जेक्ट है, मान के चलते. अब जी ये तो पूरा मतलब दे रहा है तो ये क्या हो गया, एक क्लॉज. अब क्यों हो गया एक क्लॉज, ध्यान देना, क्योंकि हमने क्लॉज में पढ़ा हमारे पास एक कर्ता होता है जी है, एक क्रिया जी वो भी है, मिनिमम हमको ये चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वी हैव इट, और वो हमको एक वाक्य का पूरा मीनिंग देना है. तो सूरज पूरब से उगता है जी सर, ये वाक्य है और ये मुझे पूरा मीनिंग दे रहा है. दे रहा है कि नहीं दे रहा भाई साहब, दे रहा है ना. हाँ अभी फ्रेज कब बनेगा, जब पूरा मीनिंग नहीं देगा सर. पूरा मीनिंग कब नहीं देगा, जब मैंने आपसे कहा कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो होगा जी फ्रेज में, सब्जेक्ट नहीं होगा जी.
तो हम सब्जेक्ट काट देते हैं। अब सब्जेक्ट काट देते हैं तो मिटा भी देते हैं। जब हम सब्जेक्ट मिटा देंगे तो हमारा शब्द रह गया राइजेज इन द ईस्ट। पूरब में उगता है। अब क्या उगता है जी, पता नहीं। तो क्या पूरा मीनिंग दे रहा है ये आपको वाक्य का? नहीं दे रहा है। तो जब ये पूरा मतलब नहीं देगा तो ये क्या बन जाएगा? फ्रेज। और जब आपको पूरा मतलब देगा तो वो क्या बन जाएगा? क्लॉज। माइक नहीं चल रहा है क्या तुम लोग का? दोनों जगह माइक चल रहा है क्या? खराब हो गया है? माइक उठा के बोलो। चल रहा है। ये आप लोग को इतना समझ में आया? कोई डाउट इसमें? जी सर। तो फ्रेज का डेफिनेशन लिखिए, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए। मैं लिख दे रहा हूं, इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स that doesn't have a subject, that doesn't have a subject। ठीक है? That doesn't have a subject. It is a collection of words that doesn't have a subject. अब हिंदी में लिखिए, phrase शब्दों का वह समूह है, फ्रेज शब्दों का वह समूह है, शब्दों का वह समूह है जिसमें कर्ता एबसेंट होता है। एबसेंट का स्पेलिंग ABSENT, एबसेंट, जिसमें कर्ता एबसेंट होता है। ठीक है? फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसमें कर्ता एबसेंट होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, पहले इंग्लिश में। It doesn't give a complete meaning. It doesn't give a complete meaning. It doesn't give a complete meaning. किस चीज का? Of a sentence. Of a sentence. It doesn't give a complete meaning of a sentence. Of a sentence. हिंदी में लिखिए दूसरा पॉइंट जो है, ये यह वाक्य का
यह वाक्य का पूरा मतलब, यह वाक्य का पूरा मतलब नहीं बताता है। यह वाक्य का पूरा मतलब नहीं बताता है, नहीं बताता है। ठीक है जी, यह हमें वाक्य का पूरा मतलब नहीं बताता। अब किसी को अभी फ्रेज और क्लॉज जितना समझाया उसमें किसी तरह का कोई तकलीफ? कोई भी बच्चा एलबीएस में या फिर मुझे लगता है तीसरे जगह से कनेक्शन टूट गया अभी, कहाँ है वो, कानोर, कानोर का कनेक्शन टूटा हुआ है, काफी देर से टूटा हुआ है, राइट। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अभी मैं आपको दो चार और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अभी कुछ लिखना नहीं, मैं ये कहता हूं हाउ टू डू इट, ठीक है, बिफोर द टेस्ट, ठीक है, इन अ कॉर्नर। अब आपने ये तीनों सेंटेंस अभी देखा, ये सेंटेंस तो है नहीं जी, ठीक है, सेंटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने अभी तीन लिखे हैं, पहला लिखा हाउ टू डू इट, दूसरा लिखा बिफोर द टेस्ट और तीसरा लिखा इन अ कॉर्नर। अब इन तीनों जगह पे हमारा क्या मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है। आगे कुछ पता तो नहीं चल रहा, ये पूरा तीनों अलग अलग अपने आप में पूरा कोई मतलब तो दे नहीं रहे हमें, पूरा मतलब तो नहीं दे रहे। तो ये जब पूरा मतलब नहीं दे रहे तो ये अभी क्या है, फ्रेज है। ये क्या है जी, फ्रेज है, ठीक है, है कोई बात नहीं है। अब हम इसको क्लॉज बनाएंगे। अगर आपसे कहे क्लॉज बनाना है तो जी क्लॉज बनाने का सबसे इजी तरीका है कि हमको आगे क्या डाल देना है, सब्जेक्ट डाल देना है। तो अगर मैं कहता हूं शो मी, मुझे बताओ हाउ टू डू इट, ठीक है ना, I always prepare, मैं हमेशा पहले तैयारी करता हूं टेस्ट के पहले। प्राची is standing, प्राची is standing in a कॉर्नर। अब आप देखिए कि हमने क्या किया, तीनों जगह पे हमने आगे सब्जेक्ट लगा दिया। जैसे ही सब्जेक्ट हमारा आया, यहां पे सब्जेक्ट शो मी है तो यहां सब्जेक्ट यू, कोई ना कोई तो होगा, किसी को तो बोल रहा होगा, यहां पे आई है, यहां प्राची है। अब सब्जेक्ट लग गया तो इन सब का मतलब पूरा हो गया। अब इस सेंटेंस का मतलब है शो मी हाउ टू डू इट, आप मुझे बताएं कैसे करना है। दूसरे का मतलब हो गया आई ऑलवेज प्रिपेयर बिफोर द टेस्ट, मैं हमेशा अपने परीक्षा से पहले तैयारी करता हूं। प्राची इज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर, प्राची एक कोने में खड़ी है। क्या अब आपको पूरा मीनिंग दे रहा है, दे रहा है कि नहीं, आया ना जी सर, अभी दे रहा है। So, अब दे रहा है तो क्या ये अभी भी ये पूरा वाक्य जो है, पूरा वाक्य, क्या ये पूरा वाक्य फ्रेज है या क्लॉज है? क्लॉज। कानोर से कनेक्शन टूट गया है, बताइए फ्रेज है या क्लॉज है? क्लॉज। क्लॉज है ना, क्योंकि पूरा मतलब दे रहा है, ठीक है।
सिर्फ इतना था तो पूरा मतलब नहीं दे रहा था, तो फ्रेज था, और वो मतलब इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ी है कि पहली बात तो पूरा मतलब नहीं देगा, और वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसके आगे का सब्जेक्ट कर्ता नहीं होता। ठीक है, अभी समझ में आ गया फ्रेज और क्लॉज? किसी को कोई दिक्कत समझने में? नहीं है तो प्लीज इसको लिख लें। अब देखिए, लिख लिया सबने? अब आराम से पेन रख दीजिए। क्लॉज जो है, अब आराम से देखिए, लिखते रहोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत ये सब बहुत टेक्निकल टॉपिक्स होता है। क्लॉज ना दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आजाद, उसको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक होता है डिपेंडेंट, उसे निर्भर रहना पड़ता है। तो ये जो क्लॉज है ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज के कुछ और नाम भी हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं या मेन क्लॉज के नाम से जानते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज एक और नाम से जानते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने वो शब्द सुना है, सब ऑर्डिनेट, जब मैंने कंजंक्शन पढ़ाया था। तो
इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्लॉज दो तरीके के होते हैं, मैंने बता दिया। अभी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये तो नाम हो गए इनके। दे स्टैंड ऑन देयर ओन, वह आत्मनिर्भर होते हैं। दे कांट स्टैंड ऑन देयर ओन, यह आत्मनिर्भर नहीं होते, ये किसी और पे निर्भर होते हैं। और किस पे निर्भर होते हैं? दे नीड टू, नहीं, दे नीड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन्हें इंडिपेंडेंट, मैं ऊपर लिख दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दे नीड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि हमने क्लॉज में पढ़ा है कि कोई भी वाक्य अपना पूरा मतलब देती है, उसे हम कहते हैं क्लॉज। तो क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब ये इंडिपेंडेंट तब होगा जब कोई वाक्य लिखो और वह किसी दूसरे वाक्य पे निर्भर ना हो, वह सिर्फ अपने आप पे निर्भर हो और पूरा मीनिंग दे रहा हो। उसे अपना पूरा मीनिंग देने के लिए किसी और दूसरे वाक्य की सहायता ना लेनी पड़े। दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस डू नॉट टेक एनी अदर क्लॉज टू जस्टिफाई द मीनिंग, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, whereas डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा नहीं करते। डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के बाद भी एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर देंगे, वो आपको ऐसा लगेगा कुछ और लिखना है इसमें, जबकि उसमें भी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उस चीज को पूरा कौन करता है? इंडिपेंडेंट। वह डिपेंडेंट जो है वह इन यहां पे इन सेंटेंसेस पे निर्भर अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा एक एक चीज, पहले आप इसको समझ लीजिए क्योंकि इसका समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहता हूं कि विकास ठीक है, विकास गोज टू द मार्केट, अब विकास गोज टू द मार्केट, अब आप गौर कीजिएगा इस सेंटेंस पे, इसको किसी और शब्द की आवश्यकता है ही नहीं अपना वाक्य का पूरा मीनिंग देने के लिए। ये वाक्य अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है। ये रहा आपका सब्जेक्ट जो चाहिए, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पूरा मीनिंग दे रहा है। तो यह किस में आ गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। किस में आ गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं इसको डिपेंडेंट बनाऊंगा, तो मैंने आपको क्या कहा था कि डिपेंडेंट वाक्य जो होता है वह अकेले अपना मीनिंग नहीं दे सकता, वह किसी इंडिपेंडेंट वाक्य का सहारा लेता है। A dependent clause has to take the help from, मदद मांगता है इससे अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो हमेशा याद रखना कि जब आप डिपेंडेंट सेंटेंस लिख रहे हो तो यहां पे आप हमेशा दो सेंटेंस लिखोगे। कॉमन सेंस की बात है कि भैया एक सेंटेंस वह जो डिपेंडेंट है जो पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, और दूसरा सेंटेंस वह जो इंडिपेंडेंट है और जिससे
जिसकी मदद से ये डिपेंडेंट अपना पूरा मतलब दे रहा है। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई एक भी तरह का कोई डाउट? मैं फिर रिपीट कर दूंगा, लेकिन प्लीज समझ के हामी भरना कि हाँ ठीक है, समझ में आ गया। बोथ बोथ द सेंटेंस, थर्ड वन अभी रन नहीं कर रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट स्टॉपिंग एनी हाउ। क्या ये इसमें समझने में किसी को भी कोई आपत्ति? एलबीएस पीछे कैमरा पर सही नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी सही है ना? कोई भी बच्चा माइक पकड़ लेना, मैं दोबारा समझाऊंगा, एकदम डरना नहीं, पूछते रहना। सर बोलो। ये समझ में नहीं आया, एक बार और बता दोगे प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसको एक बार समझ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। लिखना नहीं, सिर्फ समझो। देखो मैंने कहा क्लॉज जो है, जिसको जिसने अभी बोला है, माइक अपने पास ही रखना और रिस्पॉन्ड करते रहना यस और नो में, और थोड़ा तेज करना। क्या आपको ये बात समझ में आई कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है? जी सर। और ये सेंटेंस तब होता है जब पूरा मतलब देता है, मतलब एक क्लॉज आपको एक वाक्य का पूरा मतलब देता है? जी सर। ये बात आपको पता है? हाँ सर। हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, अपने पास माइक रखो और तेज बोलो। अब ये क्लॉज दो भागों में बटते हैं, इसके दो टाइप्स हैं। पहले टाइप को बेटा हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, किसी और नाम से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं मेन, मुख्य, प्रिंसिपल मतलब मुख्य, ठीक है ना, मुख्य वाक्य। अब ये जो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है, मुख्य क्लॉज किसी भी वाक्य का पूरा मतलब खुद से दे देती है, इसे किसी और दूसरे वाक्य का सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसे कि मैंने लिखा विकास गोज टू द मार्केट, विकास मार्केट जाता है। अब विकास मार्केट जाता है, क्या ये वाक्य पूरा है? क्या आपको इसका मतलब पूरा समझ में आ रहा है? जी सर। बोलो। जी सर। कहाँ है तुम्हारा माइक? मैंने बोला था ना माइक खोल के रखो और अपने पास रखो, जब तक कि मेरे को तुम्हारा हामी नहीं मिलता मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो जिसने सवाल पूछा माइक अपने पास रखो। क्या आपको ये पता लगा ये पूरा मीनिंग दे रहा है? जी सर। जी, अब मैंने आपको दूसरा इसका बताया कि जो डिपेंडेंट है ये स्वतंत्र नहीं है, ये किसी पे निर्भर है, और किस पे निर्भर होगा? इस पे निर्भर होगा, ठीक है, क्योंकि यही वो चीज है, यही स्वतंत्र सेंटेंस वाक्य है या क्लॉज है जो अपना पूरा मीनिंग देती है। तो जब ये अपना पूरा मीनिंग देती है तो ये किसी और के साथ आएगी तो उसका भी पूरा मीनिंग देगी, उसका भी पूरा मतलब देगी। वो तब देगी जब वो अपना मतलब नहीं खुद बता पा रहा, तो जी ये नहीं बता पा रहा, ये स्वतंत्र नहीं, सॉरी ये निर्भर वाला सेंटेंस है, डिपेंडेंट है, ये नहीं बता पाएगा। तो इन्होंने जब भी ये वाक्य बनेगा तो ये इनका सहारा लेंगे और तब अपने सेंटेंस को पूरा करेंगे, तब अपने वाक्य को पूरा करेंगे और तब जाकर वो क्लियर मीनिंग देगा। तो आप ये तो लगा सकते हैं कि जब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा और मैं इससे मदद मांग रहा हूं, तो एक वाक्य इसका हो गया और एक वाक्य इसका हो गया, तब जाकर इसका मीनिंग हो रहा है। तो उसमें कितने वाक्य हो गए? दो। दो या तीन या एक? दो वाक्य होंगे सर। दो वाक्य हो गए, तो मतलब है कि डिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा दो वाक्य लिखते हैं, क्योंकि उनको पूरा मीनिंग अपने अकेले वाक्य से नहीं मिलेगा, और वो दूसरा वाक्य कहां से लिखते हैं? इससे लिखते हैं, तब जाकर ये पूरा मतलब बताता है। लेकिन इस वाले में हम सिर्फ एक ही वाक्य लिखते हैं जो हमें पूरा मतलब बताता है। क्या आपको ये बात क्लियर है? जी सर। क्या किसी को अभी कोई डाउट है? नहीं, लिखिए, ये लिखिए, पहले लिख लीजिए, हेडिंग डालिए टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, टू टाइप्स ऑफ क्लॉज।
टू टाइप्स ऑफ क्लॉज. सबसे पहला लिखिए, पहले में लिखिए इंडिपेंडेंट, उसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल या मेन, और हिंदी में उसको ब्रैकेट में लिखिए मुख्य. देखिए मुझे हिंदी लिखना नहीं आ रहा, आप खुद ही लिख लीजिएगा अगर ये गलत भी है तो. मुख्य, ठीक है ना, मुख्य क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्लॉज. मुख्य क्लॉज. अब पहले अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए. दे स्टैंड ऑन देयर ओन एंड गिव एंड अ कंप्लीट एंड गिव अ कंप्लीट मीनिंग एंड गिव अ कंप्लीट मीनिंग. दे स्टैंड ऑन देयर ओन एंड गिव अ कंप्लीट मीनिंग. And give a complete meaning. And give a complete meaning. हिंदी में लिख लीजिए. मुख्य क्लॉज, मुख्य क्लॉज वह क्लॉज होते हैं, मुख्य क्लॉज वह क्लॉज होते हैं, मुख्य क्लॉज वह क्लॉज होते हैं जो, मुख्य क्लॉज वह क्लॉज होते हैं जो अपने अपने वाक्य का पूरा मतलब बताते हैं, जो अपने वाक्य का पूरा मतलब बताते हैं और उन्हें किसी और उन्हें किसी और वाक्य पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है, उन्हें किसी और वाक्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है. अब ये एग्जाम्पल लिख लीजिए. अब बी डालकर लिखिए डिपेंडेंट क्लॉज. बी डालकर लिखिए डिपेंडेंट क्लॉज.
डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम देखिए क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले इंग्लिश में लिखेंगे, मैं वही चीज इधर लिख दे रहा हूं, दिख जाएगा आपको। दे कांट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड दे नीड एन इंडिपेंडेंट they need an independent clause to give a to give the full meaning to give the full meaning They cannot, dependent clause cannot stand on their own and they need an independent clause to give the full meaning. Yeah, to give a full meaning. लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। हाँ माँ। हिंदी में लिखिए, डिपेंडेंट क्लॉज आत्मनिर्भर नहीं होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज आत्मनिर्भर नहीं होते हैं आत्मनिर्भर नहीं होते हैं और अपने वाक्यों का पूरा मतलब अपने वाक्यों का पूरा मतलब देने के लिए अपने वाक्यों का पूरा मतलब देने के लिए पूरा मतलब देने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेते हैं। का सहारा लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देने से पहले
इस परिभाषा को ध्यान से देखो, लुक एट द डेफिनेशन। मैंने आपसे कहा कि क्लॉज होता है, आखिर डिपेंडेंट भी तो क्लॉज ही है, और हमने बात किया है कि एक क्लॉज के पास एक सब्जेक्ट होता है, एक क्लॉज के पास एक वर्ब होता है और वो पूरा मीनिंग देता है, और ये क्लॉज का ही पोर्शन है डिपेंडेंट क्लॉज। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज, चूंकि क्लॉज है, उसके पास अपना एक सब्जेक्ट भी है, अपना एक वर्ब भी है, और तब भी वो पूरा मीनिंग ना दे? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि अभी तो हमने पढ़ा है जो क्लॉज होता है वो पूरा मीनिंग देता है, क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो ऐसा इंडिपेंडेंट का तो समझ में आता है कि भैया ठीक है, उसके पास अपना सब्जेक्ट मीनिंग है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसी क्लॉज का एक पोर्शन जो है उसके पास भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो वो पूरा मीनिंग दे रहा है जी, लेकिन इसके पास सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा? तो ये सोचने की बात है, कुछ तो ऐसा होगा इसके बाद भी जो वह पूरा मतलब नहीं बता रहा, वो है उसका लॉजिक। इसीलिए इससे पहले पढ़ाया कंजंक्शन। ठीक है, कई सवाल के जवाब उस वक्त देता नहीं हूं मैं अमूमन, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सवाल का जो सवाल पूछा जाता है वो तो या तो तीन कदम आगे का पूछा जाता है, जो पढ़ाया उससे नहीं पूछा जाता। तो मैं सोचता हूं कि रुक के बताऊं। अब अभी किसी ने पूछा था मुझसे, शायद श्वेता ही थी, कि यूज कहां होता है कंजंक्शन, यहां होता है यूज, ये है कंजंक्शन का यूज क्लॉजेस में। आपको मैंने अभी बताया डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यह अपने आगे, ये अपने आगे एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को लेते हैं, और अभी से 5-10 मिनट पहले मैंने तुमको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या क्या होते हैं वो लिखवाया। चूंकि वह अपने आगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लेते हैं, उसके बाद उनके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन तब भी वो पूरा मतलब नहीं बता पाते, क्योंकि वह अपने आगे एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ले चुके होते हैं। अभी समझ में आया? इसीलिए हम लोग इसके नाम में भी सबऑर्डिनेट क्लॉज करके बताते हैं, ताकि आपको याद रहे। अब मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल, अगर आपको यह बात अभी समझ में आ गई होगी तो मेरे एग्जाम्पल देने से 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि मैं इतनी देर से बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूं। अपने अंदर ना सवालों को इससे रिलेटेड, कंटेक्स्ट से रिलेटेड बढ़ाओ, नहीं तो आगे पीछे के बैचेस में मैंने ना पेज खाली छुड़वा के ऐसे ही छोड़ दिया है कि जब तुम्हारे जहन में आज से 100 साल बाद भी आएगा वो, तब ढूंढ लेना उसके जवाब, शायद अभी समय पे सवाल आ नहीं रहे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान देना, अच्छा मैंने डिपेंडेंट सेंटेंस के बारे में बोला है दो वाक्य रहेंगे, अब वो दो वाक्य क्यों रहेंगे ये भी बताया है मैंने, क्योंकि वो अकेले से तो जी कर नहीं पा रहा। अगर मैं एक वाक्य लिखता हूं, शी लाफ्स एट हिम, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, वह उस पे हंसती है, ठीक है बात। अब हां और ना जवाब बहुत ढंग से देना, क्या यह पूरा वाक्य है, क्या यह पूरा मतलब दे रहा है कि भैया वह उस पे हंस रही है, ठीक है, नहीं दे रहा? ओहो कौन नहीं है आज, मुझे बहुत दिनों बाद मन कर रहा है, कौन नहीं है, नाम बताओ जल्दी, डरना नहीं है सर। इसमें वह उस पे हंसती है, पर वो किस पे हंस रही है ये तो बता नहीं रहा जी। मैं बता रहा हूँ, उस पे हंस रही है, जैसे अभी आप मुझ पे हंस रही है वैसे ही। तो मैं इसको बदल देता हूं, इसको मैं बदल देता हूं। आपका नाम क्या है जी? जहानवी। अरे जहानवी, आप मुझे आज मिली भाई इतने सालों बाद, हाँ आपको याद है कि आप मुझे पहली बार कहाँ मिली थी? डेमो क्लास में। हाँ जी, और मैं निरंतर आपको खोजता रहा, लेकिन कैमरे के वो जो दूरबीन है इससे मैं आपको कभी देख नहीं पाया,
लेकिन आप वो पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे। जी सर। और मैंने कहा था जी मैं जरूर पढ़ाऊंगा। मैं तो पढ़ाने आ गया लेकिन आप नहीं दिखे, मुझे लगा आप तो गई। फिर मुझे लगा कि नहीं प्रताप गढ़वाले ऐसा तो नहीं हो सकते। सर दो तीन दिन से क्लास अटेंड कर रही हूँ, कॉर्नर में हूँ इसलिए दिख नहीं रही हूँ। सही बात है, हमने अभी तक सिर्फ दो ही तीन तो क्लास ली है अभी। आप दो दिन से क्लास अटेंड कर रही हैं और आपको मैं भी कुछ नया बताता हूं, हमारी क्लास ही दो तीन दिन की बची है। अब इससे मैं ये अनुमान लगाऊंगा या तो आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं आया था, आपने मजबूरी में बोल दिया था कि अरे, तो कहने का आपका मतलब यह था कि क्या आप ही पढ़ाओगे अंग्रेजी, तो मैं नहीं आऊंगी। मैं शायद समझ नहीं पाया आपकी बात को, ऐसी घनघोर बेइज्जती। बताइए जानवी। हाँ ऐसा नहीं है। फिर तो आप सही हंस रही हैं मुझ पे, कोई बात नहीं। नहीं सर। ये स्पेलिंग सही है आपकी कि कुछ बदलना है? ए नहीं आएगा सर। कौन सा वाला है, इसमें दो ए है। पीछे वाला कौन सा पीछे? आप किसको पीछे कहती हैं, इधर वाले को इधर वाले को? N-V-I, J-A-H-N-V-I, जानवी। चलिए कम से कम जाते जाते तो आपने अपना आवाज बताया, हमें अच्छा लगा। जानवी लाफ्स एट संदीप, ये मेरा नाम है अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं। तो आप मुझ पे हंसती हैं। अब क्या ये सेंटेंस पूरा है? जी सर। अरे अब तो मान जाइए कि हाँ पूरा है, अब क्या चाहिए इसमें आपको? सही में बेइज्जती करवा के हंसवा के दिखा दूं? हाँ पूरा है, पूरा है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस पूरा है तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस पूरा है तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज है जी क्योंकि इसमें मेरा एक सब्जेक्ट है जी और मेरा वर्ब है, मुझे ये दोनों चाहिए। आगे होना हो सिर्फ इतना भी होता तो भी मेरा सेंटेंस पूरा होता, क्योंकि बाकी किसी पे तो हंस रही होगी। वो किस फॉर्म में आता? मैं निरंतर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इंप्लाइड फॉर्म में, छुपे हुए फॉर्म में आता कि भाई कोई किसी पे हंस रही है तो किसी पे तो हंस रही होगी, वो किसे कोई तो होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही हंस रही है तो फिर बरेली में अच्छा सा खुला हुआ है, उधर उसको भर्ती कराया जाए, 500 रुपया मिलेगा और एक कंबल मिलेगा। ठीक है, अब अपने आप में हंसोगे तो पागल खाने ही जाओगे। ठीक है ना, तो देखिए जहानवी लाफ्स भी मेरा सही होता है, ये क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब मुद्दा ये है कि मुझे पढ़ाना आपको डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहां ये लिख देता हूं बिकॉज, मैंने क्या कहा, डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए आपको एक वाक्य के आगे एक क्या लगा देना होता है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। और आप अभी अपने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को उठाकर देखिए, मैं उसके एग्जांपल्स में आपको बिकॉज लिखा चुका हूं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, और मैंने परिभाषा में भी लिखवाया है कि जब किसी वाक्य के आगे एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लग जाता है तो वह वाक्य, यह पूरा वाक्य अब डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि अब यहां पे बिकॉज का मतलब होता है क्यों, किसी वजह से ही होगा, तो जिस वजह से होता है वो है ये। तो बिकॉज हम रीजन को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि क्या हुआ ऐसा। ठीक है, क्यों हंस रही है? तो अब अभी इतना समझ में आया सर, किसी को अब कोई डाउट? अब ये मेरा डिपेंडेंट सेंटेंस हो चुका है, क्यों? क्योंकि इस डिपेंडेंट, इस सेंटेंस के आगे हमने एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया। अब जी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया तो ये डिपेंडेंट हो गया, और मैंने आपसे कहा था जब कोई वाक्य डिपेंडेंट हो जाए तो वह किसी मुख्य वाक्य, किसी इंडिपेंडेंट वाक्य का सहारा लेगा। अब लेते हैं जी, सहारा लेते हैं। अब जहानवी ऐसे तो मुझ पर हंस नहीं होंगी, संदीप
इज शॉक्ड. शॉक थोड़ा डेंजरस हो जाएगा. सरप्राइज्ड. अब संदीप इज सरप्राइज्ड अपने आप में एक पूरा वाक्य है. ठीक है, क्योंकि यहां एक सब्जेक्ट है, यहां एक वर्ब है. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है जी. यहां पे जो या मेन वर्ब है, मेन वर्ब कर लो. तो सब्जेक्ट और वर्ब एक क्लॉज होने के लिए तैयार है. तो ये है मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, आईडीसी, इंडिपेंडेंट क्लॉज. और नीचे है मेरा डिपेंडेंट क्लॉज. अगर मैं ये दो सेंटेंस जोड़ देता हूं तो पूरा सेंटेंस बनेगा, संदीप इज सरप्राइज्ड. संदीप सरप्राइज्ड है क्योंकि, क्योंकि जानवी लाफ्स एट हिम, क्योंकि जानवी उस पर हंस रही है. अब ये सेंटेंस पूरा मतलब दिखाया, ये दोनों सेंटेंस जुड़ गया. अब हाँ पता है मुझे, अब समझ में आ रहा होगा. अब आपने क्या देखा कि भैया आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज था, एक डिपेंडेंट वाक्य था. वो डिपेंडेंट वाक्य इसलिए था क्योंकि वह वाक्य अपने आगे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को ले रखा था, कंजंक्शन को ले रखा था. तो हमने उसे पूरा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट मुख्य वाक्य का सहारा लिया जो अपने आप पे खड़ा हो सकता है, और उससे हमने इस वाक्य के साथ जोड़कर इस पूरे वाक्य का एक मीनिंग दिया. अब क्या किसी को कोई डाउट इसमें? अब आपको पता लगा कंजंक्शन का काम क्या होता है? जी सर. कंजंक्शन मैंने दो प्रकार के बताए थे, एक बताया था सबऑर्डिनेट, एक बताया था कोऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा और हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के आगे लगेंगे, या जिस जगह पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होगा उसके आगे का पूरा वाक्य डिपेंडेंट हो जाएगा. कॉमन सेंस लगा, दोनों एक ही बात है. जिसके आगे ये लगा वो, या जिस शब्द के बाद जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसके बाद ये लगा, तो ये पूरा का पूरा वाक्य डिपेंडेंट हो जाएगा. जैसे ही ये डिपेंडेंट होगा, ये एक इंडिपेंडेंट वाक्य का सहारा लेगा और तब जाकर अपना पूरा मीनिंग देगा. क्या इस बात को समझने में किसी को कोई तकलीफ? हाँ भाई, एलबीएस में या चित्तौड़गढ़ में या फिर इधर कानोर में नहीं है तो आप लोग ये डिपेंडेंट का एग्जाम्पल लिख ले. ठीक है, यहां बिकॉज वजह बता रहा है, रीजन क्यों, क्यों हंस रही है, सॉरी क्यों सरप्राइज है संदीप, क्योंकि वह हंस रही है. ठीक है, लिख लीजिए. अरे मां,
मिटा दूं, हो गया जी सर जी। अभी कोई डाउट आ रहा मन में जो पढ़ा चुका हूं उसमें? सर ये क्वेश्चन कैसे बना के देंगे, मतलब क्वेश्चन कैसे देंगे? क्वेश्चन जैसे ये पूरा सेंटेंस अभी लिखा, उसमें कहेंगे अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉज। तो हम फिर से एक बार लिख देता हूं, मैं पहले बताती यार, मिटाने की बात पूछा यार, बताओ। अब आएगा अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉज एंड फाइंड आउट द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जब आएगा तो आप क्या करेंगे, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आपने अंडरलाइन कर दिया तो कॉमन सेंस है कि इससे पहले का जो है जी ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बताने की जरूरत नहीं, ऐसे आएगा। ठीक है, या ये भी आ सकता है, ये पूरा सेंटेंस देगा और बोलेगा तो आप क्या करेंगे, नो एरर। या तीसरा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब इतने सारे कंजंक्शन लिखे हैं, उसमें जो सूटेबल होगा वही लिख सकते हो। तो जब भी हम रीजन वजह की बात करते हैं जब भी, तो हम इन तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो या आए कोई भी जो ऑप्शन में होगा वो लिखेंगे। तो ये तीन तरीके हैं जिससे यह आ रहा है। अभी क्लियर है जी? अब नहीं डाउट, वैसे चलिए ये आपके माध्यम से क्लियर हो गया ये वाला, अगर किसी और को भी पूछना होगा। अब आपका डाउट ये होना चाहिए था कि सर आपने हमें पहले कंजंक्शन पढ़ाया, आपने कंजंक्शन में हमको टाइप्स बताया, हमने पढ़ लिया, फिर आपने हमें एक नया टॉपिक दिया क्लॉज और फ्रेज, जिसमें फ्रेज को आपने समझाया, ठीक है, और क्लॉज को समझाया, और फिर दोनों में आपने डिविजन बताया, डिफरेंस बताया, ठीक है, फिर क्लॉज को आपने समझाया और क्लॉज के दो टाइप बताए, जिसमें एक टाइप में किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, दूसरे टाइप में जिसका सहारा लेना पड़ता है उसमें क्या यूज किया हमने, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो अभी इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई। अब मुझे नहीं पता कि आपके जहन में ये सवाल आया है या नहीं आया है। सवाल ये होना चाहिए कि तो सर फिर इसका क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हमें पता लग गया कि कहां प्रयोग करेंगे, इसका क्या, ये कहां यूज करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहां यूज करेंगे? अभी लिखवाया था ना, फॉर लिखवाया था, एंड लिखवाया था, नॉट लिखवाया था, बट लिखवाया था, और है ना, येट और सो, इनका प्रयोग कहां होगा? दिमाग में आया था ये बात? क्यों नहीं आया था? मुंडी हिला रहे सबसे आगे, क्यों नहीं सोचते हो ज्यादा, हैं? क्या सोच रहे हो आजकल तुम?
एलबीएस में सबसे आगे कौन बैठा है, पिंटू या आनंद या विकास, कौन हो तुम? अरे इसको माइक दो भाई आगे, सबसे एलबीएस में माइक सबसे आगे दो। हाँ बताओ, इन तीन नाम में से तुम कौन हो? या कोई नहीं हो इसमें से? बोलो नाम। श्यामलाल सर। अरे तुम अलग अलग रंग रूप में हर बार मेरे को अलग नाम क्यों बताते हो? पिछली बार बैठे थे तो कोई और नाम बताया था, इस बार कुछ और बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं, क्या नाम बताया तुमने? श्यामलाल। श्यामलाल, ओके। हाँ तो श्यामलाल तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम्हारा दिमाग जो है प्रतापगढ़ की सैर कर रहा है। हाँ यही तो होता है, तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं, टीचर पढ़ाएगा नहीं, तुमको तो मजे आ रहे हैं कि काय कोई ये सब अंडचंड लिखा हुआ है। हाँ घर जाता सोता, ध्यान दो। ये भी क्लॉज में ही यूज होगा, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा और हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज होते हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ नहीं यूज होते हैं। प्राची क्यों नहीं होते डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज? प्राची माइक उठाइए। डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम क्यों नहीं यूज करते? हम डिपेंडेंट क्लॉज के साथ क्या यूज करते हैं? डिपेंडेंट के साथ अगर यूज करेंगे तो फिर तो ये सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग में अंतर क्या रह जाएगा? अभी मैं जो सवाल पूछा उसका जवाब मैंने पूछा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम हमेशा इंडिपेंडेंट के साथ करते हैं, डिपेंडेंट के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि डिपेंडेंट में हम क्या यूज करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग। यस, सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की। हाँ तुम्हारा सवाल जो है प्राची वक्त से पहले आ गया। वक्त से पहले सवाल को मैं अप्रिशिएट इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे कैलिबर पे लोगों को भरोसा नहीं है कि ये आदमी बताएगा नहीं। मैं बताओ अभी बता रहा हूं, घबराओ नहीं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तुम्हारे पूछने से पहले दे दूंगा। देखिए अब चूंकि तुमने पूछ दिया है, ऐसा जंग छेड़ दिया है, तो मैं फिर उस जंग में आऊंगा। अब प्राची का सवाल है कि सर अगर ये, अब मैंने यहां क्लॉजेस लिखा है सर, एस लगा है मतलब यहां भी दो सेंटेंस है। अगर दो सेंटेंसेस हैं और वो इंडिपेंडेंट है, अब इंडिपेंडेंट का मतलब होता है क्या? आत्मनिर्भर, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। अगर मैं लिखता हूं राम वेंट टू द मॉल, पूरा सेंटेंस है ये, इंडिपेंडेंट है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। राम एट राम ने डिनर किया, राम हैड डिनर, ठीक है, इन द मॉल। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं इस सेंटेंस को क्या लिखूंगा? मैं इस सेंटेंस को लिखूंगा राम वेंट टू द मॉल एंड हैड डिनर देयर। अब आता है मुद्दा, मैंने क्या कहा था? यहां यूज हुआ एंड,
एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सही बात है। मैंने कहा ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज होंगे। राम वेंट टू द मॉल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राम हैड डिनर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये दोनों वाक्य एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। राम मॉल में गया एक बात है, राम मॉल में खाना खाया वो अलग बात है। तो हमने दोनों को सिर्फ जोड़ दिया, राम वेंट टू द मॉल, राम हैड डिनर देयर। अब आपने यहां नोटिस क्या किया, यहां आपने दो चीजें नोटिस की कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेंगे, क्योंकि कंजंक्शन का मेन काम है जोड़ना, जब जुड़ेंगे तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ना तो ये सेंटेंस, अगर मैं ये कहता हूं कि ये क्लॉज वन है ये क्लॉज टू है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज वन और इंडिपेंडेंट क्लॉज टू, कभी भी पहला चीज इंडिपेंडेंट क्लॉज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ये दोनों ही अपने आप में मुख्य वाक्य हैं, इनको किसी और की या खुद एक दूसरे की जरूरत नहीं है अपने वाक्य को पूरा करने के लिए, ये अपने आप में पूरा वाक्य है, ठीक है। दूसरा जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये दोनों बराबरी का वैल्यू रखते हैं। ये दो वजह हैं जिन वजह से हम इनमें से किसी सेंटेंस को डिपेंडेंट नहीं कह सकते। अगर कोई भी डिपेंडेंट सेंटेंस होता तो उसके आगे हम कोऑर्डिनेट नहीं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते, लेकिन हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया। लेकिन मैं इसी वाक्य को डिपेंडेंट बना सकता हूं, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ये लिखता राम went to the mall, ठीक है, because या as to have dinner, as थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, ही वॉन्टेड टू हैव डिनर। अब गौर करो, सेम सेंटेंस है, राम मॉल गया, राम ने खाना खाया, ठीक है। अब यहां बिकॉज लिखा है, तो अगर बिकॉज आ गया तो बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो उसके आगे का ये पूरा वाक्य ही वॉन्टेड टू हैव डिनर ये आपका डिपेंडेंट हो गया, ये आगे इंडिपेंडेंट। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क क्या है, इस सेंटेंस में राम मॉल खाना खाने के लिए जा रहा है, इस वाक्य में राम मॉल गया वो खाना खाने के लिए नहीं गया, वो मॉल गया और वहां पे उसने खाना खाया। तो जब उसका मॉल जाना खाना खाने पे, सॉरी उसका खाना खाना पे निर्भर करता है मॉल जाना, वो सिर्फ गया ही मॉल खाना खाने के लिए, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट हुआ। जब आप मॉल गए खाना खाने के लिए तो आप किस वजह से गए, खाना खाने के लिए गए, तो आपके पास एक वजह था, ठीक है, तो उसमें एक वाक्य आपका डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। यहां वह खाना खाने नहीं गया, वह खाना खाया लेकिन मॉल जाने की वजह उसकी खाना खाने की नहीं थी,
तो जब आपका कोई एक सेंटेंस एक वाक्य दूसरे वाक्य पे, मैंने क्या बोला, डिपेंडेंट ना हो, तो वह क्या होता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस या क्लॉज होता है। यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां भी लगेगा वहां कभी भी दो वाक्य एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। वेर एज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वहां लगेगा जहां एक वाक्य दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। अभी क्लियर है प्राची? यस सर। और कुछ पूछना है? पूछो, लिखना नहीं, पूछो, मिटा नहीं रहा हूं, जैसे ही लिखता हो देखोगे तो मिटा दूंगा। पूछो, सोचो बोर्ड पे देख के कि हाँ ये ठीक है, ये समझ में आया, ये वाला समझ में आया, ये पोर्शन नहीं आया, फिर पूछो। जब तक नहीं, अब जब मैं मौका देता हूं तब पूछते नहीं हो, अगर मैं पीछे घूम के मिटाने लगूंगा तो अभी चार सवाल आएंगे। इसीलिए आराम से पहले देखो या बोलो कि सर अच्छा एंड में मजा नहीं आ रहा, कोई और शब्द यूज करके दिखाओ ना, ये सब नहीं बोलना। इतने सारे शब्द हैं, कुछ भी यूज हो सकता है, बट जहन में रहना चाहिए कि ये। और इमेजिन करो जो तुम लोग को सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिखवाया था, अभी अभी लिखवाया, आज ही लिखवाया क्लॉज में, वह क्या लिखवाया था, राम प्लेज गुड क्रिकेट, श्याम प्लेज गुड क्रिकेट। अब बीच में मैंने जोड़ा क्या था, एंड, और एंड कहां पे आता है, यहां पे, तो एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। अब आपने देखा मैंने पहला वाक्य लिखवाया था राम प्लेज गुड क्रिकेट, राम अच्छा क्रिकेट खेलता है, दूसरा श्याम प्लेज गुड क्रिकेट, श्याम अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब राम का अच्छा क्रिकेट खेलना श्याम के क्रिकेट खेलने पे निर्भर नहीं करता है, तो ये दोनों अलग सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग प्रॉपर है और दोनों की वैल्यू बराबर है। जब ये तीनों चीज पूरे हो जाते हैं, चौथा, तब जाकर आप उसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हो। या इसको उल्टा समझो, जिस वाक्य में ये लगा होगा उसका मतलब है कि वहां अगर दो वाक्य हैं तो दोनों एक अपने आप में मुख्य वाक्य है, दोनों की वैल्यू एक है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रख रहा है और दोनों इक्वल अपना डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उल्टा ये कहता हूं कि राम प्लेज गुड क्रिकेट बिकॉज श्याम प्लेज गुड क्रिकेट, अब यहां पे मैंने कहा बिकॉज का यूज किया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया, यहां पे राम का अच्छा खेलना निर्भर करता है श्याम के अच्छा खेलने पे, कि अगर श्याम अच्छा खेलेगा तो ही राम अच्छा खेलेगा, क्योंकि मैंने बोला है राम प्लेज गुड क्रिकेट बिकॉज, या व्हेन श्याम प्लेज गुड क्रिकेट, जब श्याम अच्छा क्रिकेट खेलता है तब राम अच्छा क्रिकेट खेलता है, मतलब अभी निर्भर कर रहा है ना एक दूसरे पे, राम तब अच्छा नहीं खेलेगा जब श्याम अच्छा नहीं खेलेगा, राम तब अच्छा खेलेगा जब श्याम अच्छा खेलेगा। तो मैंने उसमें दो शब्द का प्रयोग किया, एक बार व्हेन का प्रयोग किया, व्हेन भी देखो तुम्हारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के एग्जांपल में लिखवाया मैंने, और बिकॉज भी मैंने आपको लिखवाया है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के एग्जांपल में। तो जब उन शब्दों का प्रयोग हुआ तो मैंने क्या दिखाया कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर करता है, लेकिन जब मैंने इनका प्रयोग किया तो मैंने आपको ये दिखाया एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर नहीं करता है। अब मुझे बताइए क्या आपको ये बात क्लियर है, कोई डाउट, पक्का? अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, आपने जो पढ़ा है ना अभी, ये पढ़ा क्लॉज, और आपको मैंने बताया कि एक सिंगल वाक्य जब अपने आप पे निर्भर करता है वो किसी और पे निर्भर नहीं करता, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो आप ग्रामर की किताब उठाइएगा कहीं पे भी और वहां देखिएगा लिखा होगा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो मैंने विकास का एग्जाम्पल लिखाया था, या छोड़िए विकास, राम इज अ गुड क्रिकेटर, ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी वाक्य पे वो डिपेंडेंट नहीं है। तो जब कोई एक स्टेटमेंट, सिर्फ एक वाक्य एक लाइन का
एक वाक्य जिसमें दो सेंटेंस नहीं हो, सिर्फ एक वाक्य हो और वो आत्मनिर्भर हो यानी कि इंडिपेंडेंट हो, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जब दो इंडिपेंडेंट, जब दो वाक्य हो और दोनों मुख्य वाक्य हो जो मैंने आपको बताया और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हो तो उसे कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, जो कि ये है। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहेंगे? जब दो वाक्य हो, दोनों कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ा हो और दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट होने चाहिए, क्योंकि भाई यही रूल है, इंडिपेंडेंट वाक्य के साथ हम कोऑर्डिनेटिंग का प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाता है, उसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा, अगर एक वाक्य हो जिसमें एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हो तो उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये टॉपिक आपने एक सेकंड में पढ़ा, जो टॉपिक आपको कम से कम 3-4 क्लासेस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसका ऑर्डर सही नहीं होता है और समय बर्बादी होता है, या तो मजा आता है उनको समय बर्बाद करने में क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब ये कुछ नहीं है, ये वही है जो कि मैंने आपको बताया। तो आपने 3 टॉपिक पढ़े, कंजंक्शन, क्लॉजेस और सिंथेसिस। इन ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का एक सीधा नाम है सिंथेसिस। अभी समझ में आया? लिख लीजिए, अब लिख लीजिए। अरे माँ,
मिटा दूं? मैं फिर पूछ रहा हूं, किसी को मिटाने से पहले किसी को किसी शब्द में कोई डाउट तो प्लीज पूछ ले, किसी को भी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कल हम लोग, कल क्लास मत मिस करना कोई, सारा कुछ तुम्हारे कंटेक्चुअल ही होगा कल। फ्रेज मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए पढ़ाया हूं कि आगे समझ में आए, ये आपके कोर्स का है, ठीक है? कल हमें ये पढ़ना है पहला, दूसरा जो आपके पेपर में आता है। अच्छा भाई, पैसेज जो है वो अंग्रेजी में ही आता है, अंग्रेजी का पैसेज अंग्रेजी में ही करना पड़ता है। तो कल हम पैसेज देखेंगे अराउंड 30-40 मिनट्स, ठीक है ना? और उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा उसमें हम जो आपका तीसरा पोर्शन है वो है आपका सेंटेंस रीऑर्डर। मैं ये तीन पोर्शंस कल कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि परसों की क्लास में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आपको इसमें मदद करेगा। उसके बाद ये होगा कि आपका कुछ छूटा ही नहीं अंग्रेजी में, मैंने आपको अंग्रेजी पूरी पढ़ा दी। वो होगा नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो अगली तीन क्लासेस जो है ना प्लीज कोई मिस नहीं करना, तुम मिस करोगे तो तुम्हारा घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं। तो कल हम ये तीन चीज देखेंगे, ठीक है? परसों स्पेसिफिकली जो दिन है वो सिर्फ मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए रखा है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए बाय बाय। आप लोग ये सब रिवाइज करके आइएगा। हैव अ नाइस डे।